है तो समझ आता है कि इसको उपयोग हो रहा है तो कब तक तोड़ेंगे। चबूतरे को तोड़कर निगम के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं ये कहते हुए कि हाई कोर्ट से आदेश पारित हुआ है। तो हाई कोर्ट में शिकायत किया कि दुकान को यथावत रखा जाए और इसमें अतिक्रमण किया जा रहा है उसको तत्काल तोड़ा जाए, जबकि यह अतिक्रमण है। इंदिरा मार्केट के जितने पार्किंग स्थल थे उसे पूरा आज अतिक्रमण में पूरा आज अवैध कब्जे हो गए, उसको तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे। निर्माण हुआ होगा उसको हटाया जाएगा। आपके हिसाब से नया निर्माण लग रहा है यहाँ पर? अब चबूतरे का कुछ पोर्शन नया लग रहा है उसी के लिए। ये मामला उतना बड़ा था कि हाई कोर्ट तक चला? नहीं नहीं, ये कोई मामला नहीं था मैडम, ये प्रारंभिक रूप से टेंडर निकला है। टेंडर में आप जैसा है वैसा रहे। समिति यहाँ विगत 35 सालों से ज्योति कलश जला रही है और ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये आसपास के 4-6 वार्डों का मामला है। तो अभी चबूतरा टूट रहा है? चबूतरा अभी नहीं, अभी सिर्फ पंचनामा अभी बना के उच्च अधिकारी को मामला इतना बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के गैनगर पर है जहां वार्ड नंबर 4 और 5 के बीच में जो सार्वजनिक जो दुर्गोत्सव समिति का जो ये मंदिर है, मंदिर के बाजू में जो है एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहां पर कॉम्प्लेक्स जो आवंटन हो गया, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है और मंदिर के जो बराबर है यहाँ पर जो है देवी का जैसे माता जी का यहाँ पर स्थापना होता है, यहाँ पर देवी का जसगान और यहाँ पर जो है पूरे धार्मिक आयोजन यहाँ पर होता है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अतिक्रमण को लेकर और इस चबूतरे को लेकर, इस चबूतरे को तोड़कर निगम के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं ये कहते हुए कि हाई कोर्ट से आदेश पारित हुआ है। क्या है जो समिति के लोग हैं लगातार यहां पर बने हुए कि ये चबूतरा ना टूट पाए। यहां पर बंजारे जी हैं जो वार्ड के पार्षद हैं, वो भी यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि यहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है, फिर भी इस जगह को जो है लगातार जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे भी यहां पर आ चुका है तोड़ने के लिए। यहां पर जो है निगम के आला अधिकारी है, यहां पर आम जनता भी है जो चाह रहे हैं कि ये ना टूटे, लेकिन बातें इतनी बड़ी नहीं है कि इसको हाईकोर्ट का शरण लेना पड़े। आइए आम जनता से बात करते हैं। यहाँ पे जो पदाधिकारी है, समिति के जो लोग हैं और यहाँ पर जो निगम के आला अधिकारी आया है इस स्थान को तोड़ने के लिए, उनसे बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं यहाँ जो वार्ड नंबर 4 के जो बंजारे जी पार्षद हैं उनसे बात करते हैं कि पूरी बातें क्या है उसको समझते हैं। जी बंजारे जी, यहाँ पर किस तरह से ऐसी बातें अतिक्रमण हो गई कि हाई कोर्ट का आदेश यहाँ पर आ गया है या आप लोग हाई कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं? वर्तमान स्थिति में पहली बात यह है कि हाई कोर्ट के आदेश या कोई भी कोर्ट का आदेश का कोई अवहेलना नहीं हुई है। पहले भी नगर निगम यहाँ सील लगाई हुई थी, आज भी सील लगा हुआ। अभी तोड़ने की बात, तोड़ने की बात आती है कि चबूतरा जो होता है वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर का है, वो पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के अंतर्गत का। जब नवरात्रियों में यहाँ नवरात्रि का जो मेला लगता है तो उसको प्रसाद बांटने के लिए सुविधा के अनुसार से 2 फीट का चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया था, जिसको जो भी इसकी शिकायत करता है वो हाई कोर्ट में शिकायत किया कि दुकान को यथावत रखा जाए और इसमें अतिक्रमण किया जा रहा है उसको तत्काल तोड़ा जाए, जबकि यह ना अतिक्रमण है नहीं किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी होती है। बार बार इस समिति को बदनाम करने के लिए वो कोर्ट के सहारा लेकर नगर निगम के माध्यम से इस समिति को बदनाम करने की कोशिश कर। किसके द्वारा इस समिति को बदनाम किया जा रहा है? एक नवीन तिवारी करके, एक नवीन शुक्ला करके एक शख्स है जिन्होंने दुकान का जब आवंटन हुआ था तो अधिक रेट के कारण से समिति भी भरी थी लेकिन नहीं मिल पाया था। अधिक रेट कारण उसको जब मिल गया तो बहुत समिति वालों ने उसे अभिवादन और रिक्वेस्ट करके किया कि दुकान को भाई समिति को दे दिया जाए, क्योंकि कई वर्षों तक दुर्गा वहां पे बैठाई जाती है। नहीं माना गया। उसके बाद हम लोगों ने कई प्रयास किए, फिर दुर्गा नगर निगम ने सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पास करके उसको नगर निगम अपने कार्यों के उपयोग के लिए ही उसका उपयोग करेगी और किसी प्रकार से आवंटन के लिए उसको निरस्त कर दिया गया है। उसको ये मुद्दा इतना बड़ा चबूतरा तोड़ने का यहाँ पर पुलिस बल भी आया है। पुलिस बल लाने का मतलब है कि जब हिंदू धर्म के ऊपर जब छोटी सी आंच आती है तो पूरा शहर उसमें दौड़े चले जाते हैं। बाकी पूरा दुर्ग शहर का, आप चले जाइए इंदिरा मार्केट का, ऐसा कौन सा चबूतरा चौड़ा नहीं हुआ है? कितना अतिक्रमण अगर होगा, हजारों की संख्या में वो अतिक्रमण हुए हैं। कई दुकान तो पार्किंग में खुल गए। इंदिरा मार्केट के जितने पार्किंग स्थल थे उसे पूरा आज अतिक्रमण में पूरा आज अवैध कब्जे हो गए, उसको तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे। ये धर्म के आधार पर इनको तोड़ा जाए। तो अभी क्या रिजल्ट आ रहा है जिस तरह से पूरी जनता यहाँ पर भिड़ी हुई है, चाह रही है कि हम जनता से अपील करते हैं कि अगर कोर्ट का अवहेलना हम नहीं करेंगे और न करेंगे भी, क्योंकि हमें संविधान पर पूरा विश्वास है। हम सब हाई कोर्ट में हम भी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। अगर इनको लगता है कि ये चबूतरा, छोटा सा चबूतरा, 2 फीट का चबूतरा अगर तोड़ने से उनकी जीत होती है तो उनको ये मुबारक हो,
हमारी जीत पक्का होगी और माँ दुर्गा हमेशा, दुर्गा माँ जो है हमेशा सच्चाई का साथ देती है। यहाँ पर निगम के जो आला अधिकारी है मांझी जी इंजीनियर जो है उनसे बात करते हैं। जी मांझी जी, आपके हिसाब से यहाँ पर किस तरह का जो बातें चल रही है, क्या है आपके हिसाब से? ये जो हाई कोर्ट का आर्डर हुआ है कि किसी प्रकार से दुकान के हिस्से में किसी प्रकार का नया निर्माण या नया कुछ नहीं किया जा रहा है, ज्यों का त्यों रहेगा, तो उसी के आदेश लेकर के कमिश्नर साहब के आदेश से आए हैं कि जो नया निर्माण हुआ होगा उसको हटाया जाएगा। आपके हिसाब से नया निर्माण लग रहा है यहाँ पर? अब ये चबूतरे का कुछ पोर्शन नया लग रहा है, उसी के लिए आए हैं। तो अभी आप लोग क्या तोड़ने वाले हैं? हाँ, वही हम लोग कार्रवाई करने के लिए पुराना प्रकरण और नए का वो कर रहे हैं, मिलान करके कार्रवाई करेंगे। तो समझ आता है की इसको उपयोग हो रहा है तो कब्जा तोड़ेंगे, चलो नहीं मिला मार्केट, क्या दिक्कत है इंदिरा मार्केट? चलो ना इंदिरा मार्केट पड़ा हुआ है भैया, क्या कर रहा है? बताओ ना क्या प्रकरण बोलोगे तो क्या दूसरा क्या दूसरा कर रहे यहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। जी जिस तरह से चबूतरा तोड़ने की जो बात आ रही है, नए निर्माण की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आप लोग? मैडम ये गलत है पूरा, जब से 38 वर्षों से हमारी समिति है यहाँ पे, तब से कंटिन्यू यहाँ पे ज्योति कलश रखा रहा है। जब ये स्कूल का निर्माण भी हुआ था, दुकानें बनी थी, तो स्पष्ट निगम द्वारा मौखिक रूप से हमको बोला था कि ये दुकान आपको समिति को दिया जाए। उसके बाद इन्होंने बार बार टेंडर निकाला, टेंडर की अभी प्रक्रिया देख लीजिए आप, अगर इनमें छानबीन करेंगे तो किसी का पैसा जमा नहीं है। ये मेरा एकदम व्यक्तिगत निगम में है, सादा है, कोई जितना पैसा एक भी जमा नहीं किया, सब अवैध रूप से चल ही रहे हैं। इनके नाम से आवटन हुआ है क्या है, 2 से 3 बार टेंडर निकल चुका है, बार बार वही है। एक नवीन शुक्ला करके लड़का यहीं का है ना, हमने सोचा मोहल्ले का तो कभी भरेंगे नहीं, अपनी समिति है 38 साल पुरानी है, कंटिन्यू चल रहा है, पहले तालपत्री में रखते थे, अब थोड़ा सा वो हो गया तो सुविधा जैसे ही इतना है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे निगम वो निगम से हमारा भी आवेदन लगा हुआ है, हमारा टेंडर मतलब अत्यधिक रेट जिसकी इसकी कीमत उतनी नहीं है। तो दुकान में आप क्या चीज खोल सकते हो देख लो आज मार्केट की स्थिति से, लेकिन जबरदस्ती इनको हमको एक व्यक्तिगत भावना समिति से वर्षों से पाल के रखा है, क्या है वो अपने को पता है। हाई कोर्ट का मामला रहता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। ये मामला उतना बड़ा था कि हाई कोर्ट तक चला? नहीं नहीं, ये कोई मामला नहीं था मैडम, ये प्रारंभिक रूप से टेंडर निकला है, टेंडर में आपका नाम आया है, नाम आएगा तो MIC से स्वीकृत होती निगम का, MIC से स्वीकृत होती सामान्य सभा जाती, सामान्य सभा से स्वीकृत होकर शासन जाती, ये अभी MIC में ही है और ये इन्होंने टेंडर अपने नाम पे होकर जबरदस्ती हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। भाई व्यक्तिगत अगर शासन से आपके नाम पे अप्रूवल होता, आपको रकम जमा की थी, तब आप इसमें हक अदा कर सकते, यहाँ पे आपने 1 रुपया नहीं जमा किया है। एक टेंडर प्रक्रिया में जो न्यूनतम राशि रहती है, जो डिपॉजिट है, अमानत राशि, वही बस जमा किया, उसमें आपने हक कर रहे हैं। हाई कोर्ट के पास समय नहीं है कि कोई भी चीज को उठा के लिख दे, एक बार उस प्रक्रिया को देख। मैंने हाई कोर्ट का कई चीज देखा है कि कहीं भी कुछ भी आदेश कर देते हैं हाई कोर्ट में, मेरा ये सीधा हाई कोर्ट से सवाल है कि आप उसको बिना जांच परख्या किए आप कुछ भी लिख के किसी के कहने पे हाई कोर्ट आदेश दे देती है। आपने वहां पे व्यक्तिगत उस चीज का देखा है, आकलन किया? अभी आप लोग या समिति जनता क्या चाह रही है? जनता ये चाह रही कि ये जैसा है वैसा रहे। समिति यहाँ विगत 35 सालों से ज्योति कलश जला रही है और ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये आसपास के 4-6 वार्डों का मामला है। गंज पारा के बाद कहीं भी अगर समिति में आयोजन होता है तो ये श्री दुर्गा उत्सव समिति ही करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम दुर्गा उत्सव समिति करती है। आप देख लीजिए पूरे द्रुप भर में जो अगर गंज पारा के बाद अगर कोई काम यहाँ पे होता है तो वो समिति करती है, वो भी निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही परिवार के लोग हैं, समिति में अनेकों परिवार के लोग, अनेकों जात के लोग हो गए, उनके द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला के चक्कर में फंसा हुआ है। आपका परिचय? राहुल अग्रवाल। निगम के जो यादव जी यहाँ पर मौजूद है, पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जो बाजार विभाग के जो यादव जी उनसे बात करते हैं। जी यादव जी बताएंगे पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इतनी मामले बड़ी हो गई कि हाई कोर्ट वाली बात आ गई। उसमें हुआ था नगर निगम दुर्ग के द्वारा
पहले तो निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा आमंत्रण के कार्यवाही में अधिकतम ऑफर दर पर नवीन शुक्ला को ये दुकान देने की कार्यवाही चल रही थी है, और इसी बीच में उनके द्वारा माननीय न्यायालय की शरण ली गई है, और माननीय न्यायालय द्वारा अभी उनके याचिका पर सुनवाई जारी है, और इसी दौरान उनके द्वारा ऐसी शिकायत की गई है माननीय न्यायालय में कि उनके द्वारा यथास्थिति नहीं बनाई गई है और इसमें चबूतरा निर्माण कर दी गई है करके। तो नगर निगम की टीम इसी संदर्भ में यहाँ पहुँची है और अभी पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी कि यहाँ यथास्थिति तो दुकान में है अभी वर्तमान में, और बाहर चबूतरा बना हुआ है, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि उच्च अधिकारियों से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसी के अनुसार से कार्यवाही। तो अभी चबूतरा टूट रहा है? चबूतरा अभी नहीं, अभी सिर्फ पंचनामा अभी बना के उच्च अधिकारी। तो मामला इतना बड़ा था कि पुलिस हमला, पूरे निगम हमला, माननीय न्यायालय का आदेश है इसलिए तो ये सब व्यवस्था है उसके अनुरूप अपने को। आपके हिसाब से कब्जा यहाँ पर पाया गया है? कब्जा तो अवैध कब्जा तो है, लेकिन यथास्थिति का मतलब ये भी है कि दुकान को यथावत बना रखा गया है, दुकान में ऐसी कोई बात नहीं है, दुकान के बाहर का हुआ है मामला, तो इसलिए अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देंगे। तो पंचनामा बना के छोड़ेंगे? पंचनामा भी बना के, फिर हाल वर्तमान में नहीं टूटने वाला? नहीं, अभी नहीं टूटेगा। हाँ, फिलहाल इस पूरे जो मामले हैं, जो चबूतरा टूटने का, उस चबूतरे को रोक दिया गया है ये कह के आपने सुने यादव जी को कि जो चबूतरा जो टूटना था जिसका निर्माण के लिए यहाँ पर जो लोग आए हुए थे, फिलहाल वो अभी रोक दिया गया है। पंचनामा की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर हो रहा है, पंचनामा करके इस मुद्दे को निपटाया जा रहा है, और अपने जो आला अधिकारी को उनकी पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर जनता जो समिति है, ये जो निर्माण जो हुआ है वो टूट ना पाए उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो माहौल है गमगीन और गंभीरता का एक विषय बन गया है। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।